الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. और अगर डरो तुम इससे कि न इंसाफ कर सकोगे तुम यतीम बच्चियों के मामले में, तो इनसे निकाह ना करो, और निकाह करो जो पसंद आए तुम्हें इनके अलावा दूसरी औरतों से, दो दो, तीन तीन और चार चार। और अगर तुम्हें ये अंदेशा हो कि तुम इनमें अदल नहीं कर सकोगे, तो फिर एक ही या कनीज़ें जिनके मालिक हों तुम्हारे दाएं हाथ, ये ज़्यादा करीब है इसके कि तुम एक ही तरफ झुक ना जाओ। निकाह करने के दुनियावी फवायद क्या हैं और उखरवी फवायद क्या हैं, और निकाह के लिए किस औरत का इंतखाब करना है, ये बात अब बिल्तफसील आप हजरात सुन चुके हैं। यहाँ पर एक मसला है तअद्दुद अज़वाज का, एक से ज़ायद चार के आदद तक बयक वक़्त एक आदमी अपने निकाह में औरतों को जमा कर सकता है। इस मसले के ऊपर जो मुस्तशरिकीन हैं यहूद व नसारा और वो लोग जो उनके नाम लेवा हैं और उनके एजेंट हैं, वो भी कुरान मजीद के सरी हुक्म पर और इस्लाम के इस खूबसूरत हुक्म के ऊपर बेशुमार मुख्तलिफ किस्म की बातें किया करते हैं। तो आज के दर्स में इसी के बारे में कुछ बातें आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ कि ये जो इस्लाम का हुक्म है कि एक मर्द अपनी पसंदीदा चार औरतों को बयक वक्त अपने निकाह में रख सकता है, इस हुक्म के क्या फवायद हैं, देखिए जरा। ये बहुत सारी तफासीर का निचोड़ है, ये तफसीर ज़ियाउल कुरान इस वक्त मेरे सामने है और इसमें तकरीबन 8-9 बड़ी अहम बातें इस उन्वान के ऊपर इन्होंने की हैं। देखिए, फरमाते कि इस्लाम के नाकिदीन खसूसन अहले मगरिब ने तअद्दुद अज़वाज के मसले पर बड़ी ले दे की है और वो मुसलमान भी इसके मुतालिक बहुत परेशान रहते हैं, जिनके नज़दीक खैर व शर, बातें बड़ी मुख्तसर हैं लेकिन एक एक लफ्ज़ के अंदर बड़ी गहराई है, अगर आप बहुत गहरी तवज्जो करेंगे तो इंशाल्लाह बात समझ आएगी, अगर गहरी तवज्जो नहीं करेंगे तो बहरहाल फिर भी हमारी जिम्मेदारी अदा हो जाएगी।
अहले मगरिब भी इस मसले पर बहुत ले दे करते हैं और वो मुसलमान भी इसके मुताल्लिक बहुत परेशान रहते हैं जिनके नज़दीक, अब ये जुमला इस पैरे में बहुत काबिल तवज्जो है, जिनके नज़दीक खैर व शर और हुस्न व कुबह का सिर्फ वही मेयार काबिल कबूल है जो उनके जहनी मुरब्बियों ने मुकर्रर कर रखा है। उनके नज़दीक हर वही चीज़ खैर है जिसको अहले मगरिब कहें कि वाकयातन इसमें क्या है, खैर है, और उनके नज़दीक हर वही चीज़ शर है जिसको अहले मगरिब कहें कि ये चीज़ क्या है भाई, शर है। उनके नज़दीक खैर व शर और हुस्न व कुबह का मेयार सिर्फ और सिर्फ अहले मगरिब हैं कि जिस चीज़ को वो अच्छा कहते हैं और जिसकी वो चीज़ लोग तारीफ करते हैं और उनका मीडिया उसकी तारीफ करता है तो वो मुसलमान कहते हैं कि ये काम क्या है, बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से यहूद व नसारा भी इसकी क्या कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, और जिस चीज़ की वो मजम्मत बयान करें, जिस चीज़ को वो बुरा समझें, तो वो कहते हैं कि नहीं, अब हम ये इस काम को अच्छा समझ सकते नहीं है। इसलिए इसके मुताल्लिक इख्तिसार को मलहूज रखते हुए चंद हकायक पेश करना फायदे से खाली नहीं होगा। नंबर एक, अब तवज्जो करना जी, एक एक जुमले के ऊपर। ये हुक्म नहीं जिसकी पाबंदी पैरवान इस्लाम पर हर सूरत में लाजमी हो, बल्कि ये एक रुख्सत है, बल्कि ये क्या है, एक, कल के दर्स में भी ये बात अर्ज की थी कि जो अकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ने फरमाई है के मुबाह से लज्जत हासिल करना क्या है, जायज है। मुबाह से, मुबाह का क्या मतलब होता है, जिसका करना फर्ज ऐन हो, नहीं। देखिए, ये भी यही बात कर रहे हैं कि ये हुक्म नहीं जिसकी पाबंदी पैरवान इस्लाम पर हर सूरत में लाजमी हो, कि हर मुसलमान के ऊपर ये जरूरी है कि भाई एक वक्त कितनी औरतों से निकाह करे, चार औरतों से, क्या इस किस्म की कोई बात है, नहीं, बल्कि ये एक रुख्सत है, बल्कि ये क्या है, एक रुख्सत है, समझ आएगी। इसलिए ये कोई फर्ज आयन हुक्म नहीं है कि जिसके ऊपर अमल न करने की वजह से मुसलमान गुनहगार हों, जिसके ऊपर अमल न करने की वजह से मुसलमानों की आखरत का नुकसान हो, नहीं, बल्कि ये एक मुबह चीज है, बल्कि ये एक रुख्सत वाला अमर है जिसके ऊपर अगर कोई मुसलमान अमल कर ले तो उसके लिए क्या है भाई, जायज है, समझ आएगी जनाब। तो एक रुख्सत वाले अमल के ऊपर एतराज करना इसका कोई तुक बनता नहीं है। नंबर दो, फिर ये रुख्सत भी मुतलक नहीं बल्कि सख्त कुयूद के साथ है। सख्त क्या है, कुयूद के साथ है और संगीन शरायत के साथ मशरूत है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि इस रुख्सत पे तुम तब अमल कर सकते हो जब एक से ज़ायद औरतों के दरमियान उमूर इख्तियारिया में क्या कर सको, अदल कर सको। अगर अदल नहीं कर सकते तो फिर एक से ज़ायद की इजाजत नहीं। अब बताइए इसमें कौन सी बड़ी कबाहत है। तो पहली बात क्या है कि ये हुक्म फर्ज ऐन और लाजमी के दर्जे में नहीं है, बल्कि ये एक मुबाह अमर है, बल्कि ये एक रुख्सत वाला अमर है, अल्लाह की तरफ से इसकी रुख्सत दी गई है, समझ आएगी। दूसरी बात ये है कि ये रुख्सत भी मुतलक नहीं है बल्कि ये रुख्सत मुकय्यद है शरायत के साथ, कि अगर उन शरायत की पाबंदी की जाए तो फिर इसकी रुख्सत है, अगर उन शरायत की पाबंदी न हो तो फिर उस रुख्सत की भी इजाजत नहीं। ये बात समझ ले, कहीं ऐसा ना हो कि कोई आपसे बात करे और आप कहें कि ठीक है जी, ये बात हमने कुरान में सुनी तो है, तो हम तो बड़े गुनाहगार हैं जी, पता नहीं हम जन्नत में भी जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने तो चार औरतों से बयक वक्त निकाह नहीं किया। ये हुक्म फर्ज ऐन के दर्जे में नहीं, बल्कि ये हुक्म क्या है, मुबाह है और एक रुख्सत वाला अमल है। नंबर दो। नंबर तीन, अब कहते हैं कि मर्द को तो इजाजत है, मर्द को तो क्या है भाई, इजाजत है, उसको तो रुख्सत दी गई है कि वो बयक वक्त चार औरतों से निकाह कर सकता है शरायत के साथ, मगर औरत को बिल्कुल इजाजत नहीं है कि वो बयक वक्त एक मर्द से ज्यादा किसी और के साथ ताल्लुकात को क्या करे भाई, कायम करे, समझ आएगी। तो कहते हैं फिर औरत को भी इजाजत होनी चाहिए, उसके हवाले से जरा सुनना जी। कहते हैं तिब्बे जदीद
और तिब्ब कदीम इस पर मुत्तफिक है कि मर्द की तबी कैफियत औरत की तबी कैफियत से जुदा गाना है। मर्द की जो तिब्बी कैफियत है ना, वो औरत की तबाई कैफियत से क्या है, जुदा गाना है जराबे वाला। तो जो मर्द है उसकी तबाई खसूसियात, उसकी तबाई कैफियात और उसकी जनाबे वाला कुव्वत और उसकी ताकत जो है वो औरत की तबाई कैफियात से क्या है, बिल्कुल जुदा है जनाबे वाला। अगर तो मर्द और औरत की तबी कैफियत साइंस कहे एक है, तो फिर कोई मुतालबे का हक भी बनता है कि मर्द को इजाजत है तो औरत को भी क्या होनी चाहिए, इजाजत होनी चाहिए। अब आगे सुनना जरा, वो क्या मराहिल है जिनमें मर्द और औरत की तबाई कैफियात में फर्क है। देखना जरा, मर्द में जिंसी रगबत औरत से कहीं ज्यादा होती है। मर्द में जिंसी रगबत, समझ आ रही, जिंसी रगबत यानी औरत की ख्वाहिश जो है, औरत की तरफ जो ख्वाहिश है, मर्द में जिंसी रगबत औरत से कहीं ज्यादा है, जिसकी बहुत बड़ी वजूहात जाहिर है। मिसाल के तौर पर कि जिंसी अमल के बाद औरत को मुद्दत दराज तक मुख्तलिफ नाजुक मराहिल से गुजरना पड़ता है। समझ आ रही है कि मिसाल के तौर पे औरत को हमल ठहर जाता है तो 9 माह तक उसको मुख्तलिफ किस्म के नाजुक से नाजुक मराहिल से क्या करना पड़ता है, गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से उसके अंदर वो रगबत नहीं होती जो रगबत किसके अंदर होती है, मर्द के अंदर होती है। अब जब औरत के पेट में बच्चा हो जाए, फिर 2 माह 3 माह 4 माह 5 माह जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है उसकी मर्द की तरफ रगबत क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और उस हालत में मर्द को रगबत होती है। शादीशुदा हजरात मौजूद हैं, क्या ये बात जो कर रहे हैं मुफस्सरीन, ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही कि मर्द की तबी कैफियात औरत की तबी कैफियात से क्या है, बिल्कुल मुख्तलिफ है। समझ आएगी, मिसाल के तौर पे इस्तिकरार हमल, जब हमल ठहर जाता है और फिर जनाबे वाला जैसे जैसे आगे बढ़ता है जनाबे वाला, तो उस दौरान औरत की रगबत मर्द की तरफ ऐसा ऐसा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और आखिर में जाकर तो बिल्कुल उसको किसी किस्म की कोई ख्वाहिश नहीं रहती, और मर्द को उस वक्त भी क्या होती है भाई, ख्वाहिश होती है। समझ आएगी, तो मर्द और औरत की ये तबई कैफियात एक दूसरे से क्या है, अलग अलग हैं। अगर तो जितनी रगबत मर्द के अंदर है उतनी ही औरत के अंदर हो, तो फिर तो औरत को भी इजाजत का कोई सवाल और तुक बनता है, मगर ये नहीं बन सकता। अब आगे देखिए, कहते हैं वज़ए हमल, जब फिर औरत बच्चा जन्मती है तो उसके बाद कई दिन तक उसको किसी किस्म की भी खावंद की कोई रगबत